Very good morning to all the students of class 4th. Today we are going to do the exercises of lesson number 4 of your English book. And the name of the lesson is A Tiger Tells His Story. Already we have learned the lesson and today we are going to do the exercises. Listen carefully and try to understand. ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. So, in the page number 39, we will be starting from page number 39. Page number 39 से जो exercises है वहाँ से हम शुरू करेंगे. So, let's start. Word power. First one, write the past form of the following action words. Verbs, है ना, action words को verbs कहते हैं. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है उनका हमें past form लिखना है. Number one, fly, flew. Fly बोलने से उड़ना, उड़ गया, flew. Number two, lay, laid. Number three, eat, ate. Number four, rub, rubbed. Number five, sing, sang. Number six, grow, grew. Number seven, begin, begun. Number eight, study, studied. And the next, now choose appropriate past forms to fill in the blanks. जो ऊपर हमने किया past form किया उनमें से choose करके हमें यहाँ पे जो खाली जगह दिया गया है उसमें भरना है. So number one, see dash too much and fell ill. वो बहुत ज़्यादा खाई और तबीयत खराब हो गया, तो क्या होगा, ate. Number two, the cat dashed itself against my leg, rubbed. बिल्ली है ना मेरे पैर के पास में against में rub किया. Number three, the hen laid a big egg yesterday. मुर्गी एक बड़ा अंडा कल दी. Number four, she studied hard and got good marks. वो ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा पढ़ाई की और good marks score की. Number five, she was so sad that she began to cry. वो बहुत दुख में थी और वो रोना चालू की. Number six, last year they grew rice in their field. पिछले साल वे अपने फील्ड में चावल है ना जो राइस होता है उसको ग्रीव किए थे, लगाए थे. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ देयर नेम्स. हियर वी हैव सम पिक्चर्स एंड फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लुक एट दिस पिक्चर्स एंड देन कंप्लीट the spelling of their names. पहले पिक्चर को देखना है और यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उनमें हमें स्पेलिंग को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वन लायन, नंबर टू टाइगर, नंबर थ्री रैबिट, नंबर फोर जिराफ, नंबर फाइव बुफालो, नंबर सिक्स एलिफेंट, नंबर सेवन कंगारू, नंबर एट चिंपांजी. The next exercise, write the opposites of. हमें क्या करना है, इनका उल्टा लिखना है, opposite लिखना है. यहाँ पे नीचे word box दिया गया है, word box में से ढूंढ के लिखना है. Number one, old, young, बुजुर्ग, जवान. Number two, cry, laugh, रोना, हंसना. नंबर थ्री, सैड, हैप्पी, दुख होना और खुश होना. नंबर फोर, क्लीन, डर्टी, साफ और गंदा. नंबर फाइव, टुगेदर, एलोन,
टुगेदर सब साथ मिलके एलोन बोलने से अकेला. नंबर सिक्स स्लो क्विक. स्लो धीरे क्विक बोलने से जल्दी. नंबर सेवन लाइट हैवी. नंबर सेवन ये जो लाइट है उसका बोलने से हल्का हल्का और भारी. नंबर एट डेप्थ हेट है ना. डेप्थ गहरा और हेट बोलने से ऊंचाई. नंबर नाइन एनिमी फ्रेंड. एनिमी शत्रु और फ्रेंड बोलने से मित्र है ना, जो कि दोस्त. नंबर टेन स्मूथ रफ. स्मूथ मुलायम और रफ बोलने से जो रफ होते हैं ना स्मूथ का उल्टा वो है रफ. द नेक्स्ट ग्रामर इन यूज. चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक. यहाँ पे जो दो दो वर्ड दिया गया है ब्लैंक के लिए हमें सही वर्ड चूज करना है. हियर आई एम डेसी सिन्हा. मैं डेसी सिन्हा हूँ. यू कैन सी मी पे मी. माई ब्रदर एंड पेरेंट्स इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में मेरे भाई और मम्मी पापा है. दैट इज माई ब्रदर नितिन. ही हैज ए हैट ऑन हिज हेड. वो मेरा भाई है और उसके सिर के ऊपर उसका टोपी है. माई पेरेंट्स वर्क इन एन ऑफिस. मेरे मम्मी पापा ऑफिस में काम करते हैं. देयर ऑफिस इज नियर आवर हाउस. उनके जो ऑफिस है वो हमारे घर के पास है. दैट इज आवर डॉग. वो हमारा कुत्ता है जैक. इट हैज ए कॉलर राउंड इट्स नेक है ना. उसके नेक के राउंड में कॉलर है. वी लव आवर डॉग. हम हमारे कुत्ता को प्यार करते हैं. द नेक्स्ट बिगिन ईच सेंटेंस डू यू नो. दिस इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. यहाँ पे जो डू यू नो लिखा है उसमें से आपको स्टार्ट करना है. जैसे एग्जाम्पल एक दिया गया है वेयर इज ही लिविंग. वो कहाँ रहता है. तो आपको ये जो डू यू लिविंग हम यहाँ पे डू यू नो अंडरलाइन किए हैं उसको पहले लिखना है और जो यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर करके लिखना है. तो दिस इज योर होमवर्क. एंड द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड दी. हमें यहाँ पे ए एंड दी को इफ जगह जो खाली जगह है वहाँ पे लिखना है. संजय लिव्स इन ए स्मॉल हाउस. संजय एक छोटा घर में रहता है. स्मॉल है ना. इट इज एन ओल्ड हाउस. वो एक पुराना घर है. यहाँ पे एन क्यों लगाए. ये जो ओ वाउवल है ना. बट संजय इज वेरी हैप्पी देयर. लेकिन संजय यहाँ पे बहुत खुश है. द हाउस हैज ए नाइस गार्डन विथ एन ऑरेंज ट्री इन द सेंटर. ये जो हाउस है घर है उसमें एक बहुत अच्छा गार्डन है और गार्डन के बीच में एक ऑरेंज ट्री है. सो टुडे इन दिस क्लास वी डिड द एक्सरसाइजेस. एंड व्हाट इज योर होमवर्क. आपका होमवर्क क्या है. आपका होमवर्क ये है वॉच द वीडियो केयरफुली. वीडियो को ध्यान से देखिए. And then second homework is write down all the exercises in your book. आपके book में और आपके notebook में ये सारे exercises को लिखना है. And learn them. उनको learn भी करना है. Thank you.